हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हम जाने वाले हैं चाइना पीक, जो कि नैनीताल में है। 5 से 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग पड़ेगी। टीम रेडी हो चुकी है, काफी मजा आने वाला है। और सुबह ही इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर व्यू जो आता है सुबह का बहुत अच्छा आता है, और ट्रैकिंग जो है बहुत हार्ड है, बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो पूरी देखना, चलो चलते हैं। ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं अनमोल भाई, कैसा लग रहा है? देखते हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हम तो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, क्या बाकी पता नहीं क्या होता है। मेरे मतलब का काम है, क्या बोला तूने? एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। अभी कुल 500 मीटर आए हैं, ना कि किलोमीटर। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 500 किलोमीटर में तो पता नहीं क्या होगा, 500 मीटर में सबकी हालत गंभीर हो चुकी है। ये देखिए आदमी, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं पता नहीं, यहाँ पर गजब बेइज्जती है। तो गाइस आप देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा आ रहा है। कंजेस्टेड रास्ता है, बहुत पतला है, बारीक, एकदम 1 से 3 ब्लॉक का रास्ता है सिर्फ, और काफी पतला है। आराम आराम से चलना है इस पे, कृपया जल्दी ना चले। पर आप लोग देख ही सकते हैं कितना मतलब तंग रास्ता है यहाँ पर, इतना पतला रास्ता है, काफी पतला। पर टीममेट्स आगे चल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आराम आराम से चलेंगे, हमें रिस्क नहीं लेना है, बहुत आराम से चलेंगे हम। हमने शॉर्टकट लिया है, ये देखिए मतलब शॉर्टकट नहीं है, ये बहुत ही हार्मफुल है। अगर बाय चांस पैर फिसल गया, बल्ले भाई आगे आगे चल रहे हैं, और मतलब बल्ले भाई आराम से आराम से वीडियो मत बनाइए, देखिए नीचे देखिए। तो हम लोग यहाँ पे रुके, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेंगे, फिर निकलेंगे वापस। टेक अ लुक, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये हमारी कांता भाई, किचन का सामान निकालते हुए सारा। फोटो मत खींच, वीडियो बना। डिस्पोजल नहीं मिल रहा है, ये बंदे लाने पड़ते हैं क्योंकि हम या तो ट्रैकिंग करेंगे या काम करेंगे। गजब बेइज्जती है। तो गाइस हम एक छोटा सा ब्रेक लेके निकल चुके हैं चाइना पीक के लिए, दोबारा ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। और ये देखिए पतला मतलब कंजेस्टेड रास्ता, पथरीला रास्ता है एकदम से। अभी हम गलत रास्ते पे चले गए थे लगभग 100 मीटर पहले। अच्छा, हमको सिखा रही है। ओह बहुत चल रहे हैं, चौंक कह सकते हैं इसे। चलिए हम थोड़ा सा कुछ ही मीटर दूर हैं, 200-250 मीटर लगभग उससे, और ये व्यू यहाँ का है। और ये जो घर है हमने चाय के लिए बुलाया है, और काफी शांति है यहाँ पर, फॉग है मतलब एकदम बहुत ही अच्छा है। गर्मा गर्म चाय, चाय 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 चाय, गर्म गर्म चाय, दस का दो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो गाइस आप देख सकते हैं फाइनली हम पहुंच चुके हैं चाइना पीक पर, और ये देखिए मतलब थक चुके हैं आप, क्या व्यू है, मस्त एकदम, गजब एकदम, वाह। रियर कैमरा रखना, रियर, ये देखिए व्यू इस तरीके से, वो नीरज भाई इस तरीके से। ओ भाई मतलब फाइनली किसी को, ये भाई हमसे पहले के आए हुए हैं, क्या नाम भाई आपका, कहाँ से आए हो? ये अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा, आप? मैं भिक्कासन से। आप देख सकते हैं दोनों भाई कितनी जल्दी आए हैं यहाँ पर,
और काफ़ी दूर से आए हैं, हमसे पहले के आए हुए हैं। और देखिए मतलब कितना व्यू है, पूरा नैनीताल बकायदा नैनी लेक सब ऊपर से पूरा दिखेगा यहाँ पे, एकदम मस्त कतई। और ये खाना खाने की तैयारी हो चुकी है, स्टाय है भाई की, और भाई व्यू व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब यहाँ खाना खाने का मज़ा ही अलग है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। आए आए गजब एकदम, क्या टेस्ट आ रहा है, इसका मज़ा ही अलग है यार, अपना सामान लाने का मज़ा ही अलग है यहाँ पे। पानी लेके आओ यार, छुटकी छुटकी छुटकी, अरे तुम्हारा चिपक गई बस, हवा निकल गई। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश कर। फ्लोर पे आ गिर खुद को तुझे सौंप के, वादा कर लिया रांझा बन के इश्क थोड़ा ज्यादा कर लिया। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो गाइस चाइना पीक घूमने के बाद अब हम नीचे जा रहे हैं, आराम आराम से जाएंगे, पहली फुर्सत में निकल। तो फाइनली गाइस हम घूम के आ चुके हैं, हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और ये मुड़ गए। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी मस्ती की हमने बड़े भाइयों के साथ, काफ़ी मज़ा आया और मज़ा आया।